तो बुनी कितनी? हेलो। अच्छा এটা আমি পড়ুছে ফর্মুলা অডিটিং বিষয়ে আমি পড়ুছে।
होने की तरह। এটা হলো আমার কোন এটা তো আমি ইউজ করুছে এটা কো ফর্মুলাটা কো ফ্লোরে যাচ্ছে ওকে আমার এই ऑडिटिंग फॉर्मूला ऑडिटिंग अर्थ होची फॉर्मूला जो हम एक्सेल रे यूज करबा सेरा को फॉर्मेट रे जीव सेरा कोजो फॉर्मूला ऑडिटिंग ओके सेरा कोजो फॉर्मूला ऑडिटिंग को फॉर्मूला के तड़ को जीव ओके अबे हम देखिबा केमती होबो आसे देखो जी बुझी पाइबा फॉर्मूला ऑडिटिंग का कोन अर्चना विष्णु प्रिया सॉरी फ्रेंड्स अब बात करेंगे हम फॉर्मूला ऑडिटिंग राइट फॉर्मूला ऑडिटिंग इन एक्सेल तो फ्रेंड्स कई बार क्या होता है कि बहुत सारे एक्सेल के अंदर फॉर्मूले लगे होते हैं जिन फॉर्मूले को मैं चेक करना चाहता हूँ कि एक्जैक्टली वो फॉर्मूले कैसे लगे हुए हैं नंबर कहाँ से कहाँ फ्लो हो रहे हैं एक फॉर्मूला दूसरी जगह नंबर लेके जा रहा है फॉर्मूला वो नंबर फिर आगे कहीं पर जा रहा है तो अलग अलग फाइलों में अलग अलग जगह से लिंक लगे होते हैं उन फॉर्मूलाज को लिंक्स को मैं चेक करना चाहता हूँ कि नंबर एक्जैक्टली वो कैसे कैसे कहाँ कहाँ से फ्लो हो रहे हैं राइट तो फ्रेंड्स उसके लिए मेरे पास ऑप्शन एक होता है फॉर्मूला में जाकर यहाँ पर ये ऑप्शन अवेलेबल होते हैं ट्रेस प्रेसिडेंट ट्रेस डिपेंडेंट रिमूव एरो शो फॉर्मूला इवेल्युएट फॉर्मूला राइट तो इन्हीं फंक्शंस के बारे में फ्रेंड्स हम बात करेंगे तो स्टार्ट करेंगे हम लोग ट्रेस डिपेंडेंट से राइट देखो एटा ट्रेस डिपेंडेंट का कौन
इंडिपेंडेंट क्या है फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया, एक बैलेंस शीट बनाई है, एक नोट्स है, ट्रायल बैलेंसिंग। फ्रेंड्स अगर आप लोगों को बैलेंस शीट का आइडिया है तो बहुत बढ़िया बात है, अगर नहीं भी है तो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे को शीट को नहीं समझाना है आपको, एक्जैक्टली डेटा क्या है वो नहीं समझाना, मेरे को केवल फॉर्मूले कैसे फ्लो होते हैं वो समझाना है, राइट। तो अगर आपको ये डेटा नहीं भी समझ में आ रहा है तब भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। तो मेरी रिक्वायरमेंट क्या है फ्रेंड्स, सपोज यहाँ पर मैं एक नंबर ले लेता हूँ, कोई भी एक नंबर पकड़ लेते हैं, कल्पना अग्रवाल, राइट, ये कल्पना अग्रवाल का नाम लिखा हुआ है 2 लाख रुपीज। मुझे ये चेक करना है कि ये नंबर ट्रायल बैलेंस से आगे किस 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 शीट में जा रहा है और कहाँ कहाँ जा रहा है, राइट। तो मैं क्या करूंगा फ्रेंड्स, इस नंबर को सिलेक्ट करूंगा और ट्रेस डिपेंडेंट पे क्लिक करूंगा। ट्रेस डिपेंडेंट इसने एक डॉटेड एरो बनाया, डबल क्लिक मैंने इस पे किया, इसने मेरे को एक लिंक दे दिया कि नोट्स B11 में जा रहा है, नोट्स B11, मेरे को वहां मैनुअली जाने की जरूरत नहीं है, या तो मैं डबल क्लिक यहां पे करूंगा या मैं इसको सिलेक्ट करके ओके करूंगा, ये मेरे को उस नंबर पे ले जाएगा, राइट। मैं अब ये नंबर देखना चाहता हूं फर्दर कहीं और तो नहीं जा रहा, ट्रेस डिपेंडेंट, अब ब्लू एरो दिखा रहा है, ब्लू एरो का मतलब फ्रेंड्स ये होता है कि ये सेम शीट में कहीं पर जा रहा है, राइट। तो डॉटेड एरो है, तो डॉटेड एरो का मतलब क्या है, ये नंबर डिफरेंट शीट में जा रहा है, और ब्लू एरो है तो इसका मतलब ये नंबर सेम शीट में जा रहा है, और बाय चांस आपको दोनों एरो नजर आ जाते हैं, इसका मतलब ये है कि ये नंबर सेम शीट में भी जा रहा है और डिफरेंट शीट में भी जा रहा है, राइट, दोनों जगह जा रहा है, राइट फ्रेंड्स। अब फर्दर मैं इस नंबर को चेक करना चाहता हूं, ट्रेस डिपेंडेंट, डबल क्लिक, राइट, ये नंबर मेरे को यहां पर ले आता है 286 में, इसका मतलब ये नंबर जो नोट्स में 286 आप ये देख रहे हैं, ये बैलेंस शीट में मेरे यहां पर फ्लो हो रहा है। तो नंबर मेरे कैसे कैसे फ्लो हुए वो मुझे पता चल गया। ट्रेस डिपेंडेंट सेम आरोपी डॉटेड आसीबो सेटा होची डिफरेंट डियर ब्लू मींस सेम सेम जगह रे आसीबो ओरे नै थिला नाम फार्मूला फ्लोटा कोड यूज फार्मूलाटा ए जगह रो डेबिट मींस ए डीआर को मेंशन करू फ्रेंड्स मैंने यहां पर नहीं भी है तो फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरे को शीट को नहीं समझाना है आपको, मेरे को केवल फॉर्मूले कैसे फ्लो होते हैं वो समझाना है, राइट। तो अगर आपको ये डेटा नहीं भी समझ में आ रहा है तब भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। तो मेरी रिक्वायरमेंट क्या है फ्रेंड्स, सपोज यहां पर मैं एक नंबर ले लेता हूं, कोई भी एक नंबर पकड़ लेते हैं, कल्पना अग्रवाल, राइट, ये कल्पना अग्रवाल का नाम लिखा हुआ है 2 लाख रुपीज। मुझे ये चेक करना है कि ये नंबर ट्रायल बैलेंस से आगे किस 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 शीट पे जा रहा है और कहां कहां जा रहा है, राइट। तो मैं क्या करूंगा फ्रेंड्स, इस नंबर को सिलेक्ट करूंगा और ट्रेस डिपेंडेंट पे क्लिक करूंगा। ट्रेस डिपेंडेंट जिसने डॉटेड एरो बनाया कल्पना अग्रवाल, ठीक है, हमें जीवा ट्रेस डिपेंडेंट देखो डेरो मार कैसे रहा ताकि ये आपसे तो डिपेंडेंट है, बुझे रहा। डॉटेड डॉटेड मींस चाहो को नेक्स्ट आरोप है ना, इसने मेरे को एक लिंक दे दिया कि नोट्स B11 में जा रहा है, नोट्स B,
एंड नोट्स बी 11 को दिया पे हम देख रहे हैं डबल क्लिक करिए ओके करिबो तापर देखा कौन रहू छी 11 मेरे को वहां मैन्युअली जाने की जरूरत नहीं है या तो मैं डबल क्लिक यहां पे करूंगा या मैं इसको सेलेक्ट करके ओके करूंगा ये मेरे को नंबर कंफर्म कर रहा छी सिलेक्ट करके ओके कर ओके कर दे कल्पना अग्रवाल कोटी अच्छे डी नहीं है बुझे पहला कृष्ण प्रिया अर्चना बुझे रहा थरे थरे कौन होछ माने गोटे डाटा आउ को टेबल रे अछले जणा को टेबल से लिंक अछ हमर फार्मूला ता जो लिखा है जी जेमते कि हमें कोन कोचे पाइवट टेबल करू छे तो सेम मैं गोटे डाटा ता आउ को डाटा को फ्लो हो छे सेला जानिया पे रहिस बुझे रहा अच्छा से जो 7709 को हम डॉटेड लाइन असे का माने कोन माने सेटा काई के लिंक छला एतो सारा सिंगल लिंक लाइन माने यदि कोनो से सेल रे हमें क्लिक करे के हमें ट्रेस डिपेंडेंट मानजो से हमको कहबो जे यदि हम फार्मूला टा बा हमर वैल्यू टा यदि नेक्स्ट पेज सहित लिंक अप हो तारे से हमको डॉटेड देखेबो यदि हमर फार्मूला टा सेम पेज रे ही कोनो से वैल्यू सहित लिंक अप हो जे तारे ब्लू लाइन देखेबो जो डॉटेड माने से नेक्स्ट पेज को देखेबो जोटा हमर सेम लाइन ने जब हमरा अच्छे तरह ब्लू लाइन देखो बुझे ना वो अगेन पुनी अटूम करके पेज डिपेंडेंट पुनी देखो सेम पेज रे एटा से तार लिंक अप पुनी आगो क्लिक करिवे प्रेस डिपेंडेंट से पण नेक्स्ट पेज को बैठे मु ए जो आरो मार्क छ को डबल क्लिक करी ए आरो मार्क ऊपर डबल क्लिक करले एठी पण सिलेक्ट करियो सिलेक्ट करियो ओके करे से पण तमको आउ को पेज से त लिंक अप अछि नै है बुझेला ओके माने को पेज रो को पेज हमर फार्मूला टा को फ्लो करू छी प्रेस डिपेंडेंट हमको देखियो हमने हम एठी फार्मूला ऑडिटिंग टा करू छी बुझेला मैं अब ये नंबर देखना चाहता हूँ फर्दर कहीं और तो नहीं जा रहा ट्रेस डिपेंडेंट अब ब्लू एरो दिखा रहा है ब्लू एरो का मतलब फ्रेंड्स ये होता है कि ये सेम शीट में कहीं पर है राइट तो डॉटेड एरो है तो डॉटेड एरो का मतलब क्या है ये नंबर डिफरेंट शीट में जा रहा है और ब्लू एरो है तो इसका मतलब ये नंबर सेम शीट में जा रहा है और बाई चांस आपको दोनों एरो नजर आ जाते हैं इसका मतलब ये है कि ये नंबर सेम शीट में भी जा रहा है और डिफरेंट शीट में भी जा रहा है राइट दोनों जगह जा रहा है राइट फ्रेंड्स अब फर्दर मैं इस नंबर को चेक करना चाहता हूँ ट्रेस डिपेंडेंट डबल क्लिक राइट ये नंबर मेरे को यहाँ पर ले आता है 286 पे इसका मतलब ये नंबर जो नोट्स में 286 आप ये देख रहे हैं ये बैलेंस शीट में मेरे यहाँ पर फ्लो हो रहा है तो नंबर मेरे कैसे कैसे फ्लो हुए वो मुझे पता चल गया अपन आ गोटे हो छी ट्रेस प्रेसिडेंट तो ट्रेस प्रेसिडेंट का कौन से देखि पाए सर तो डबल क्लिक तक आओ पर हो छी ट्रेस डिपेंडेंट पे आरो आरो मार्क ऊपर डबल क्लिक करले से हमको मूव करी बुझे हो छी अभी हम लोगों ने देखा कि मेरा नंबर ये कहां कहां जा रहा है बट अब मैं देखना चाहता हूं कि ये नंबर मेरा कहां से आ रहा है लाइक एग्जांपल के लिए लेते हैं करंट लायबिलिटीज ये करंट लायबिलिटीज जो मेरी आ रही है वो कहां से आ रही है दो तरीके हैं फ्रेंड्स चेक करने के दो तरीके हैं या तो मैं ट्रेस प्रेसिडेंट करूंगा राइट ट्रेस प्रेसिडेंट इसने मेरे को एरो दिखाया इस एरो पे मुझे क्लिक करना है तो मुझे ये बता देगा कि ये नोड्स B19 में आ रहा है जो कि आपको यहां पे भी नजर आ रहा है नोड्स B19 राइट दूसरा तरीका क्या है फ्रेंड्स दूसरा तरीका ये है कि आप कंट्रोल स्क्वायर ब्रैकेट ये आप शॉर्टकट की यूज कंट्रोल स्क्वायर ब्रैकेट मैंने कंट्रोल स्क्वायर ब्रैकेट किया ये मेरे को उस नंबर पे ले गया राइट F5 करूंगा मैं फ्रेंड F5 और एंटर F5 एंटर करूंगा मेरे को वापस ले आएगा रिटर्न के लिए मैंने लिख दिया यहाँ पर F5 रिटर्न के लिए बट फ्रेंड कंट्रोल स्क्वायर ब्रैकेट का जो ड्रॉबैक है जो प्रॉब्लम है वो ये है कि अगर यहाँ पर मल्टीपल लिंक हो राइट जैसे मैंने इसमें एक लिंक और एंटर किया प्लस ये वाला
तो सपोज यहाँ पर मेरे दो लिंक है, नोट्स B19 एंड नोट्स B9, दो जगह से नंबर आ रहे हैं। अब अगर मैं F5 करता हूँ तो ये मेरे को केवल B19 पे लेके जाएगा, B9 पे लेके नहीं जाएगा, दूसरे लिंक पे लेके नहीं जाएगा, ये केवल मेरे को फर्स्ट लिंक पे लेके जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स अगर मैं ट्रेस सेलेक्ट करता हूँ और इस एरो पर मैं क्लिक करूंगा, ये मेरे को दोनों लिंक दिखाता है और जिस लिंक पे भी मुझे जाना है मेरे को उस लिंक पे रहना है, अपने कर्सर को उस लिंक को सिलेक्ट करना है एंड देन मेरे को ओके प्रेस करना है या डबल क्लिक करना है, ये मेरे को उस नंबर पे जाएगा। F5 प्रेस करूंगा, F5 मेरे को वापस ले जाएगा, राइट। मैं फिर इस पे डबल एरो पे क्लिक करता हूं, अब मेरे को पहले वाले लिंक पे जाना है, ओके। अब ये मेरे को पहले वाले लिंक पे ले गया P19 पे, राइट, 3140 इस नंबर, राइट फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आप दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं, राइट। तो प्रेसिडेंट माने कोन हो नाम फार्मूलाटा कोटु आसी माने क्वाडे जाउ छ हमें ट्रेसिंग रे यूज करे प्रेसिडेंट माने हमर फार्मूलाटा कोटु आसु छ देखिबा द करंट लायबिलिटी एटा कोटु आसु बढ़िया सेला ओके हमें डबल क्लिक करियो डबल क्लिक करले फार्मूला आसी वाला को सिलेक्ट करियो सिलेक्ट करके ओके करे अगेन हम मूव करे कोडी गला ये पुने डिफरेंट पेज को जाउ छ लोन लायबिलिटी ओके हमें सेम दे डबल क्लिक करके फार्मूला चूज करियो ସେପୁଣି ଆମକୁ ବ୍ୟାକ୍ ଆଣିବ ବୁଝିଲା ଫର୍ମୁଲାଟା କୁଆଡ଼େ ଗଲା ପୁଣି କୁଆଡ଼େ ଆଣ ଆଇଦର ଆମେ ସେମିତି ଚେଞ୍ଜ ଚୁଜ୍ କରିବା ନହେଲେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ସ୍କୋୟାର ବ୍ରାକେଟ୍ ଆମେ ଯଦି ୟୁଜ୍ କରିବା ସାର୍ ଆମର ଯେଉଁଟା ବୁଝିଲା बुझेला अर्चना मिशन दिया ओके नेक्स्ट पार्ट का देखो रिमूव आरो बात करते हैं, मैंने ट्रेस डिपेंडेंट देखा, ट्रेस प्रेसिडेंट देखा, अब मेरे को देखना है रिमूव एरो। रिमूव एरो फ्रेंड्स क्या है, जितने भी ये मेरे एरो लगे हैं राइट, मेरे को इनको रिमूव करना है। एक एक शीट पे जा जाके मुझे करना पड़ेगा, एक एक शीट को मैं सेलेक्ट करूंगा और रिमूव एरो पे क्लिक करूंगा राइट। एक तरीका तो ये है, या आप सिंपली कंट्रोल एस प्रेस कर दीजिए, कंट्रोल एस। कंट्रोल एस क्या करेगा, सेव भी करेगा आपकी फाइल को, सारी शीट से आपके एरो हटाएगा राइट। कंट्रोल एस करते ही सारी शीट, मेरी अगर 10 शीट है, 10 शीट पे मैंने अलग अलग एरो लगाए हुए हैं, वो एरो सारी खत्म हो जाएगी। इस बार मेरी चेकिंग खत्म हो जाएगी, फिर इन एरो का कोई मतलब नहीं है राइट, मुझे इसको रखने का कोई यूज नहीं है। ये जो एरो मार्क हमारा लगेला सब ठीक, जो एरो मार्क हमारा लग छे, एरो मार्क को रिमूव करिया पाए हमें आइदर कौन करे बैठे कंट्रोल एस मारिबा, कंट्रोल एच मारले ऑटोमेटिक एरो मार्क टा हमरा रिमूव हो जाएगा, बुझ गए ना। जो एरो मार्क में चेकिंग कर ले सेटा मान ले हमरा एरो टा रिमूव हो जाएगा।
ଆମେ ଦେଖିବା ସୋ ଫର୍ମୁଲା, ଯୋଉ ଫର୍ମୁଲା ଆମର ୟୁଜ୍ କରାଯାଇଛି ଫର୍ମୁଲାରେ ଦେଖିବା नाउ फ्रेंड्स अब बात करेंगे शो फॉर्मूला। शो फॉर्मूला क्या है फ्रेंड्स? कई बार क्या होता है कि डेटा के अंदर से ये फॉर्मूला लगा हुआ है राइट, ये फॉर्मूला आप देख रहे हैं इसके अंदर कुछ मैनुअल कुछ लोग ऐड कर देते हैं, कुछ मैनुअल मैंने 1 लाख लिख दिया है फॉर्मूले के अंदर। अब मुझे चेक करना है ऐसे कौन कौन से लिंक है जहां पर मैनुअल नंबर एडेड है, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, शो फॉर्मूला की हेल्प लेनी पड़ेगी राइट। तो शो फॉर्मूला क्या करेगा, उस नंबर को खोल के दिखाएगा और वहां पे आपको फॉर्मूला दिखा देगा कि वहां अंदर उस फॉर्मूले में क्या क्या लिखा हुआ है राइट। तो अगर मेरे को मैनुअली वैसे देखना है शो फॉर्मूला यूज नहीं करना, तो मैं यहाँ क्लिक करूंगा तो मेरे को फॉर्मूला बार में नजर आ रहा है, मैं यहाँ क्लिक करूंगा फॉर्मूला बार में नजर आ रहा है, यहाँ क्लिक करता हूँ फॉर्मूला बार में नजर आ रहा है। बट एक साथ मुझे देना है तो फ्रेंड मैं क्या करूंगा, शो फॉर्मूला पे क्लिक करूंगा, ये पूरे फॉर्मूला को ओपन कर देगा राइट। मेरे को फॉर्मूला बार में एक एक में जाने की जरूरत नहीं है। सेम मैं क्या करूंगा, नोट्स पे जाता हूँ, शो फॉर्मूला। अब देखिए मेरे को नजर आ रहा है क्लियरली यहाँ पर 58,000 यहाँ मैनुअली ऐड किए गए, मैं इसको मार्क कर सकता हूँ राइट। सेम यहाँ पर 79,000 1 लाख यहाँ पर मैनुअली ऐड की गए, तो मुझे पता चल जाता है कि मैनुअल एडजस्टमेंट कहाँ कहाँ की गई है राइट। तो मैनुअल एडजस्टमेंट को मैं माफ कर सकता हूँ, और अगर मेरे को इसको फर्दर चेक करना है किसी रीजन से तो मैं इसको फर्दर भी चेक कर सकता हूँ। और एक बार मेरा काम हो जाता है देन मैं क्या करूंगा, अगेन फॉर्मूला शो फॉर्मूला पे मैं दोबारा क्लिक करूंगा और फॉर्मूला मेरे चले जाते हैं राइट फ्रेंड्स। तो हमें लिखेगा कोको फॉर्मूला अच्छी वो जगह कौन फॉर्मूला लगी सब फॉर्मूला हमको एक साथ देख लो। सो फॉर्मूला लगे को सेल कौन कौन फॉर्मूला लगी सब फॉर्मूला हमको शो कर देना। और ये हमें कौन कहते ना যদি গোটে গোটে এটা ফর্মুলা দেখে যাচ্ছে সেল চুজ করো তা ফর্মুলা দেখো, পুনি সেল চুজ করো তা ফর্মুলা দেখো, পুনি সেল চুজ করো তা ফর্মুলা দেখো, এই তো আমার টোটাল ফর্মুলা দেখে আর আছে তো এটি শো করব। বুঝেলা কি সো ফর্মুলাটা স্যার ঠিক আছে আউথরে এটা তুমি খালি চুজ করিব কোন আউথরে এটা তোমাকে গোটে সেল কোন কোন ফর্মুলা লাগিছে দেখে গলে সিলেক্ট কর ফর্মুলা চুজ করো, তুমি সিলেক্ট কর ফর্মুলা চুজ করো তাহলে টোটাল করে দেখে গলে আছে তাতে মো সো ফর্মুলা ইউজ করো তোমাকে সেল সব ফর্মুলাটি শো করো বুঝেলা। Yes.
इवेल्युएट फॉर्मूला। अब इवेल्युएट फॉर्मूला क्या है, सपोज मेरा प्रॉफिट लॉस अकाउंट इस नंबर पे है, अब मुझे क्या देखना है, मुझे देखना है कि मेरा ट्रायल बैलेंस F55 और B50 है। ये नंबर मेरा जो 45 लाख माइनस में बन रहा है, नेगेटिव नंबर बन रहा है, ये दो डिफरेंट जगह से आ रहा है, दो डिफरेंट जगह से आ रहा है। एक तो ट्रायल बैलेंस की ये जो टैब है इसके F55 से आ रहा है और सेम शीट पे B70 से आ रहा है। मेरे को इस नंबर पे जाना नहीं है, अगर जाना है तो मैं ट्रेस फैसिलिटी यूज कर सकता हूं। मेरे को इस नंबर पे नहीं जाना, मेरे को यही देखना है कि इस F55 की वैल्यू क्या है और इस B71 की वैल्यू क्या है। जैसे F55 पे जाके देखते हैं तो F55 की 47,92,000 वैल्यू है, राइट। F5 एंटर करता हूं मैं वापस। अब मेरे को यही की यही देखना है तो मैं इवैल्यूएट फार्मूले पे क्लिक करूंगा। फ्रेंड्स जब मैं इवैल्यूएट फार्मूले पे क्लिक करता हूं तो मेरे को यहां पर ये फार्मूला दिखा देता है, ट्रायल बैलेंस F55 B70। मैं इवैल्यूएट पे क्लिक करता हूं ये मेरे को 47,92 जो मेरी वैल्यू मैंने वहां जाके देखी थी वो मेरे को यही दिखा देता है। मैं दोबारा क्लिक करूंगा तो ये B71 की वैल्यू दिखाएगा। दोबारा मैंने क्लिक किया है B71 की वैल्यू दिखा रहा है, राइट। अब मैं दोबारा क्लिक करता हूं तो ये मेरे को टोटल दिखा देता है, -42 लाख आ रहा है, 42,29,419 उसने मेरे को दिखा दिया। मैं रिस्टार्ट कर सकता हूं, मेरे को दोबारा करना है इवैल्यूएट, राइट। फिर मैं रिस्टार्ट कर देता हूं। अब फ्रेंड्स मुझे क्या करना है, सपोज मेरे को इस ट्रायल बैलेंस F55 पे जाना है और वापस आना है। एक तरीका तो ये मैं ट्रेस प्रेसिडेंट यूज कर सकता हूं जाने के लिए और आप F5 प्रेस करूंगा वापस आ जाऊंगा। दूसरा तरीका क्या है जो मैंने अभी बताया था, ये तरीका दूसरा तरीका क्या है फ्रेंड्स, राइट। मैं इसको बंद करके दोबारा चालू कर सकता हूं या इसको मैं रीस्टार्ट, जो मैंने रीस्टार्ट ऑलरेडी किया था अभी वो भी कर सकता हूं, राइट। मैंने कर लिया, मैं स्टेप इन करूंगा। स्टेप इन से क्या होगा, ये पहले लिंक पे चला गया F55 ट्रायल बैलेंस F55, मुझे वापस आना है, स्टेप आउट, मुझे वापस ले आया इसी नंबर पे और उसकी वैल्यू भी इसने दिखा दी 47 लाख। अब मेरे को B71 पे जाना है, जब मैं दोबारा स्टेप इन करूंगा तो ये सेकंड लिंक पे चला, स्टेप इन, ये मेरे को दूसरे लिंक पे ले आया। मैं स्टेप आउट करता हूं, ये उसकी वैल्यू भी दिखाता है और मेरे को वापस भी ले आता है, राइट फ्रेंड्स। इस तरह से आप लोग स्टेप इन स्टेप आउट यूज करके नंबर्स में मूव कर सकते हैं, राइट फ्रेंड्स। तो ये सारे फॉर्मूले थे जो फॉर्मूले की आपको ओपन करके चेकिंग करनी है या फॉर्मूला कहां से कहां फ्लो हो रहा है उसको आपको देखना है। तो ये चार फीचर, राइट, जो कि आपके ट्रेस प्रेसिडेंट, ट्रेस डिपेंडेंट, राइट, शो फॉर्मूला एंड इवैल्यूएट फॉर्मूला, ये चार फीचर एक्सेल के आप यूज कर सकते हैं जो कि काफी काम के हैं फॉर्मूला चेकिंग के। राइट, आउट ब्राइट पे हम देखे देवे नेक्स्ट क्वेश्चन।